आज रामपुर में मोहम्मद आजम खान के घर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य विशंबर प्रसाद निशन पहुंचे और उन्होंने आजम खान की पत्नी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और ख़ास तौर से आजम खान के परिवार को और आजम खान को। जितने जुल्म सरकार कर रही है उसका भी हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देश में आई है तब से जितने सेकुलर लोग हैं समाजवादी लोग हैं उनके ऊपर जुल्म ढाने का काम किया और सबसे ज़्यादा जुल्म तो हमारे माननीय आजम खान साहब के ऊपर जुल्म ढाने का काम किया है और बिना मतलब के कोई जड़ मूड नहीं और किसी प्रकार का कोई केस नहीं तो फर्जी केस बना के हिटलर से ज़्यादा खतरनाक शासन इन्होंने यहाँ चलाने का काम किया है। हम तो आम जनता से यही कहेंगे कि जुल्म ही कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। जल्दी ही जो है भाजपा जाने वाली है, समाजवादी पार्टी आएगी तो हम लोग जो है हम तो सबके साथ इंसाफ करने वाली समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी तो हमेशा आमजन के आदमी हैं और आजम खान साहब तो पूरे देश में हर जगह हर को इंसाफ दिलाने के लिए काम करते रहे तो आज जिस तरह से जुल्म उनके ऊपर उनके बेटे के ऊपर जिस तरह से हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग क्योंकि फातिमा मैडम जो है घर पे थी, मैं आया था यहाँ, एक चले भेंट भी कर लेते हैं तो हम यही आम जनता से कहने चाहते हैं कि आने वाले समय में 2022 में ये भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाना है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को बैठाना तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और अभी अंधेरा है, उजाला आएगा लेकिन बीजेपी के लिए अंधेरा आएगा, फिर उनका क्या होगा अब उनको अपने आप सोचना पड़ेगा। अभी तो समाजवादी पार्टी सफ़र कर रही है, मानी आजम खान साहब सफ़र कर रहे हैं, उनका परिवार सफ़र कर रहा है, लेकिन जो लोग गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं, फर्जी केस लगा रहे हैं, उनको एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमें किसी सही इंसान को गलत नहीं फंसाना चाहिए। तो इसमें आप सपा का भी थोड़ा ढीला रवैया मानते हैं क्योंकि बहुत देर से आप राज्यसभा सदस्य हैं, मैडम भी राज्यसभा सदस्य रही है और कभी इस तरह के इस बात को क्यों उठाने में थोड़ी देरी की गई? नहीं, मामला चूँकि ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान साहब के साथ खड़ी है और हम लोग सड़क से लगाकर सदन तक, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में, सब जगह मामले उठाए गए हैं। लेकिन अंधे के आगे रोए अपन दीदा को सुनने वाला कौन है? जो जालिम है उन्हीं को न्याय देना है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। हम तो आम जनता से सुना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इन जालिमों को भगा कर समाजवादी पार्टी सरकार लाएगी। धन्यवाद। आपका नाम और आपका? मैं विशंबर प्रसाद निषाद, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी।